तो गाइस फाइनली मैं दुबई से सीधा तुर्की में पहुंच गया हूँ, आप देख सकते हो। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि यार मैं दुबई से सीधा तुर्की कैसे आ गया। ये क्या रोज अफ्तारी के लिए जा रहे हैं लोग? पूरा हर मस्जिद के अंदर ऐसे माशाल्लाह। देखिए यहाँ पे जो देखिए शारजा का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है भाई, ये कब्रों पे आपके नाम लिखे होते हैं। देखिए तो यहाँ पे क्या कुरान शरीफ पढ़ाए जाते हैं, जैसे हमारे इंडिया में मदरसे होते हैं ना इस्लामिक। अच्छा वैसे यहाँ पे ये तो भाई हम लोगों ने यहाँ से टैक्सी पकड़ लिया, हमारे को थोड़ा जल्दी जाना है तो इसलिए हम टैक्सी पकड़ा। मेरे को देखिए शारजा में अगर आप आ रहे हो तो आपको ये गोल्ड सूक देखने को मिलेगा जो कि पूरा मार्केट है, सूक यानी मार्केट। तो ये शारजा 15 साल पहले यहाँ पे रेगिस्तान था भाई। मैंने दुबई देखा था तो मेरे को लगा दुबई में ना भाई पूरा रेगिस्तान होगा, पता नहीं क्या होगा, और यहाँ पर आने के बाद बिल्कुल नहीं हरियाली। जब देख रहा हूँ तो ये ऐसा लग रहा है यूरोप में या इंडिया में घूम रहा हूँ मैं। तो गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ रेगिस्तान में। तो आप देख सकते हैं ये तो घड़ी लग रहा भाई, ये लकड़ी का बना हुआ है। अब टाइम मैच करो, ये दोनों टाइम बराबर है, 5:36 ये भी 5:36। ऐसे क्यों? तारीख का टाइम होने वाला है, उससे पहले यहाँ पे क्लीनिंग की जा रही है, ये देख सकते हो। ये देखो भाई ये बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है माशाल्लाह। क्या बोलते हैं फाउंटेन हाउस है ना? वाह 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 वाह, मैंने कभी तुर्की देखा नहीं है, आज दुबई में मैं तुर्की देख रहा हूँ भाई। हाँ मतलब फोटो खींचने वगैरह के लिए यहाँ पर बैठने के लिए यहाँ पर ये बनाया हुआ है। और ये देखिए पूरा फाउंटेन एरिया भाई, लाइन लगाना पड़ेगा यहाँ पर क्योंकि रोजा अफ्तारी का टाइम हो चुका है। ये देखिए भाई यहाँ पे सारे ये दिए गए, बिछा दिए गए, अब सारे लोग बैठा रहे हैं धीरे धीरे करके। तो आप देख सकते हो यूएई के अंदर शारजा मॉस्क में सबसे ज़्यादा तादाद में यहाँ पे रोजा खोलने के लिए जायरीन आते हैं। तो देख लो भाई हमें ये मिल गया है, इसमें लिखा हुआ है रमजान करीम। अभी देखो रोजा खोलने से पहले आपको बता दूँ इसमें ये क्या है। तो आप देख सकते हो इस मस्जिद के अंदर 5,000 से ज़्यादा लोग एक साथ नमाज पढ़ रहे हैं माशाल्लाह, ये रमज़ान के मौके पे ये खूबसूरत मंजर। आपको इन्फॉर्मेशन के लिए एक बात बता दूं आपको कि यहाँ पर जो लेडीज़ सेक्शन है ना, लेडीज़ लोगों के लिए अलग बनाया गया है। अब तारीख इंतजाम लोग यहाँ पर लाइट शो होता है, बहुत शानदार खूबसूरत होता है। वो कब होता है यहाँ पे? फायरबॉक्स होता है इधर पे, मतलब बहुत शानदार आलीशान सजा देते हैं और खूबसूरत व्यू होता है। थे तो ये मस्जिद को किन्होंने तामीर करवाया? इधर हिंदी नहीं मालूम, थोड़ा आया था केरला माशाल्लाह, इधर सबसे ज्यादा लोग केरला के लोग आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं आपका दोस्त मिस्टर खान यूट्यूबर। तो फाइनली आज का ब्लॉग मेरा ये कि आज मैं जा रहा हूँ शारजा की सबसे बड़ी मस्जिद है, जो तुर्की शैली की है, बिल्कुल तुर्की की जैसी मस्जिद लगती है। मैं वही मस्जिद आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो मस्जिद कहाँ पर है और आप लोग कैसे जा सकते हो और वहाँ के लिए बस कहाँ से मिलेगी, अगर मिलेगी तो टिकट प्राइस क्या रहेगा, और टैक्सी अगर लेंगे तो टैक्सी का कितना पड़ेगा। क्योंकि मैं तो दुबई के अलगुबाबा से, अभी वो बस जो पीछे खड़ी है दुबई के अलगुबाबा से, मैं वो बस को पकड़ा और यहाँ पर पहुँचा हूँ शारजा बस स्टैंड पे, ये देख सकते हो। अब यहाँ से कितना रुपये चार्ज लगेगा, कैसे क्या होगा, पूरा चलते हैं जानकारी देते हैं आपको बताते हैं। आप बस में यहाँ से शारजा से जा सकते हो, शारजा बस स्टैंड है ये, बस स्टैंड का नाम है शारजा शारजा अल जुबैल, ये बस स्टैंड का नाम है। हम लोग दुबई का एक्सचेंज पॉइंट है यहाँ पे, दुबई और शारजा का। तो ये जो बस स्टैंड है, मतलब ये जो एरिया अलग हो गया, ये दुबई का एंड पॉइंट है, यहाँ से शारजा का बॉर्डर स्टार्ट होता है। तो आप बस अभी चली गई, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ की टैक्सी और दुबई की टैक्सी दूसरी है, बस भी दूसरी है, दुबई की है, यहाँ की ब्लू आपकी मिलेगी बस। अच्छा यहाँ ब्लू बस और हरी टैक्सी मिलेगी, ये अलग एरिया है, वो अलग एरिया है, मतलब मान लो कि ये अलग सिटी हो गई, पर जुड़े हुए हैं दोनों शहर, पर अलग आती है शहर अलग है। ये यूएई इसलिए इसको दुबई एक शहर है, शारजा एक शहर है, टोटल मिलके यूएई है, पूरा यूएई बना हुआ है एक देश। ठीक है चलिए अब चलते हैं, आपको जानकारी देते हैं या तो हम टैक्सी। तो आप देख सकते हो ये 7 स्टेट बनकर के एक देश बने ये लोग, जो कि हर एक बादशाह अपनी हुकूमत हर एक शहर में कर रहे हैं। तो 3 शहरों का आपको हर कोई नाम जानता है, जैसे कि आपको पता है दुबई, शारजा और अबू धाबी। तो भाई हम लोगों ने यहाँ से टैक्सी पकड़ लिया, हमारे को थोड़ा जल्दी जाना है तो इसलिए हम टैक्सी पकड़ा। ये देखो ये हमने टैक्सी पकड़ा है भाई, चलिए अब चलते हैं। हम लोग लेट हो रहे थे तो इस वजह से शाम के बच्चों की 5 है ना, तो शाम के 5 बज रही है, यहाँ से बस तो मिलती है, बट हम लोग लेट हो रहे थे तो हम लोगों ने सोचा भैया टैक्सी कर लो
और टैक्सी पकड़ के फटाफट निकल लो। ये गोल्ड सुख है, गोल्ड सुख, ये शारजा का अलग है, जैसे स्टेट का एक गोल्ड मार्केट है। अच्छा, तो देखिए शारजा में अगर आप आ रहे हो तो आपको ये गोल्ड सुख देखने को मिलेगा, जो कि पूरा मार्केट है, सुख यानी मार्केट। तो ये शारजा में अलग मार्केट है और दुबई में एक अलग मार्केट है, ये दोनों अलग अलग शहर है। यहाँ की देखिए मस्जिद भी काफी खूबसूरत है, अलग मस्जिद। शारजा का ब्लू बस स्टैंड है, कहाँ है बस स्टैंड? ये सारा ब्लू शारजा गाड़ी है ना। हाँ जी दादा, दादा का इंटरव्यू लो। हाँ दादा बोलिए। हाँ आपने एक तो एक्सप्लेन करें। ये सऊदी मस्जिद। अच्छा, इसको सऊदी मॉस्क बोलता है, किंग फैसल मॉस्क। ये सऊदी गवर्नमेंट इधर भी गिफ्ट किया, माशाल्लाह। और एक गोल्ड सुख, मतलब सेंट्रल सुख, शारजा का सेंट्रल सुख है। अच्छा, बहुत अच्छा आर्किटेक्चर है। हाँ, बड़ा खूबसूरत लगता है यहाँ। अच्छा, यहाँ पर भी एक वो रील बना हुआ है, क्या कहते हैं, गोल गोल इसका वाला पंप जो मेरा। हाँ, ब्लू वाटर वाला। यहाँ पे ये शारजा एक अलग शहर है दादा, अलग स्टेट, अलग स्टेट। अच्छा, स्टेट में आ गए। ये स्टेट अमीर, ये पूरा मुल्क का नाम संयुक्त अरब अमीरात है। हाँ, यूनाइटेड अरब अमीरात। अच्छा, उसके अंदर 7 स्टेट मिलेगा, 7 स्टेट। अच्छा, इसके कैपिटल सिटी अबू धाबी, अरबिक में बोल रहे अबू धाबी। हाँ अच्छा, ये शारजा, इंग्लिश में बोल रहे शारजा। अच्छा, बोल रहे शारकान, शारका, शारकान। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये शारजा एक अलग शहर है। ये हाँ दुबई, ये मुल्क का दुबई और अबू धाबी बहुत भी फेमस है। हाँ, पूरा एशिया के अंदर दुबई बहुत भी फेमस है, बहुत ज्यादा फेमस है। सही बात है, इसलिए तो दुबई सबसे ज्यादा लोग आते हैं। हाँ, और बाकी जो स्टेट है ना, एक स्टेट का नाम उम्मुल क्वीन। अच्छा, और एक रासेल खाइमा, यहाँ पर फुजाइरा। अच्छा, अमीरात का स्टेट, 7 स्टेट है। अच्छा ठीक है दादा, बोलो। मैंने सोचा कि भाई लेट हो रहे हैं तो टैक्सी पकड़ लो, टैक्सी पकड़ के फटाफट निकल लो क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है, क्योंकि बस भी मिलता है। बस दादा कितने बजे मिलता है वहाँ से? ये टाइम एक्चुअली फिक्स नहीं है यार, अभी रमजान का टाइम शेड्यूल चेंज हो गया। अच्छा अच्छा ठीक है, अगर वो मस्जिद ब्लू मॉस्क जाना है, ये क्या बोलते हैं शारजा, क्या नाम है उस मस्जिद का? शारजा मॉस्क, शारजा मॉस्क, ठीक है, शारजा मॉस्क यानी बड़ी मस्जिद में आके जाना है, तो दादा यहाँ से कितने नंबर बस पकड़ना पड़ता है? 88, उसके बाद फिर 77। नहीं, शारजा से जो पकड़ेगा दादा, इधर से डायरेक्ट वो ब्लू वाला बस जा रहा है। हर बस का नंबर अलग है, पूरा याद नहीं है। हर बस जाता है, पर कितना टाइम लेता है वो? टाइम तकरीबन आधा घंटा लग रहा है, कम से कम आधा घंटा ले लेता है वो टाइम। और दादा पैसा कितना लगेगा अगर कैश में जाएगा तो, उसमें बस में? बस में भी 16 दिरहम। 16 दिरहम यानी 16×32, मतलब 350 से 400। हाँ, बस थोड़ा कम दिए, टैक्सी ज्यादा है। यहाँ का 16 दिरहम में आप यहाँ से शारजा बस, शारजा का कौन सा बस स्टैंड है भाई? अल जुबैल से अगर आप लोग जा रहे हो तो 16 दिरहम में यहाँ से आप जा सकते हो, यानी इंडिया का पड़ा कितना भाई? 350 से 400। बट हम लोगों ने सोचा कि हम दो जने और टाइम बहुत कम बचा है हमारे पास, क्योंकि 1.5 घंटा ले लेगा वो बस वाला, है ना दादा? तो इसलिए हम लोगों ने सोचा, नहीं 1.5 घंटा तो क्या लेगा, वैसे तो आधा घंटा लेगा। ये टाइम ज्यादा कस्टमर नहीं है इसलिए बस थोड़ा लेट हो रहा है। टाइम भले कम लगेगा बट बस थोड़ा लेट आएगा, तो आप लेट हो सकते हो, तो इस वजह से मैं लेट ना होने की वजह से, क्योंकि टैक्सी पे जाएगा तो खर्चा कम है या बारिश कम है, मतलब बस में हर बंदा को टिकट मांगता है, टैक्सी में 4-5 बंदा जा सकते हैं, बट आप लोग 2 बंदा थोड़ा भी डिफरेंस होगा, थोड़ा डिफरेंट। तो मैं आपको बता दूं, बस जो है ना रुक रुक करके, हर बस स्टैंड पे रुक रुक करके जाता है, तो थोड़ा टाइम लगाता है, पर हमारे पास टाइम बहुत कम बचा है, इस वजह से हमने टैक्सी कर लिया है। तो मैं यही कहूँगा, अगर आप अकेले आ रहे हो या 2 जने आ रहे हो और, तो भले आप बस में जाओ, बाकी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप ग्रुप में आ रहे हो तो आप टैक्सी बुक करो, राइट दादा? और टैक्सी शेयर करके आप टैक्सी भी मिलेगा। अच्छा अच्छा, तो दादा ये जो टैक्सी है क्या बोलते हैं, कितना रुपए लगता है, मतलब यहाँ से जाने में हमारे को? 40-45 40 रुपए लगेगा हमारे को, मतलब 40 दिरहम लगेगा हमारे को यहाँ से।
शारजाह मॉस्क जाने के लिए है। और ये कितना किलोमीटर दूर है यहाँ से शारजाह मॉस्क? तकरीबन 20 किलोमीटर। 30 किलोमीटर दूरी पर है और शायद यही 40 मिनट लगेगा हमारे को पहुँचने में। तो चलो चलते हैं फटाफट, दिखाते हैं आपको, टाइम जल्दी जल्दी जाते हैं और शारजाह मॉस्क आप लोगों को दिखाते हैं। और बस मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि भाई आप आओ, बस में जाओ तो ज़्यादा बेहतर है, और अकेले हो तो, बाकी आप टैक्सी में जाओ अगर आप लोग ग्रुप में हो तो बहुत बेहतर है। तो चलिए चलते हैं, आपको जानकारी और आगे वहीं देंगे और मस्जिद दिखाएंगे। माशाल्लाह कितनी बड़ी मस्जिद है, और उस मस्जिद का नाम शारजाह मॉस्क है, उसके अलावा नहीं है। चलिए ठीक है, अभी मस्जिद दिखाते हैं और कितना ज़्यादा रोजा अफ्तारी होता है, क्या होता है वहाँ पर और किन की तरफ से होता है, वो सब वहीं जाके बताऊँगा। ये देखो, और गाइस आपको बता दूँ कि मैंने भी अरबी लिबास थोड़ा पहना हुआ है, तो मैं अरबी कम शायद यमनी ज़्यादा लग रहा हूँ ना। चलो खैर बहरहाल जाते हैं, व्यू जाते हैं। और कैसा लग रहा है लिबास बताना आप मेरे को? बहुत अच्छा मॉस्क है। ये देखो यहाँ का शारजाह का टैक्सी भाई, ऐसा लगता है खूबसूरत मस्जिद है। आपको बता दूँ अगर आपको टैक्सी चाहिए तो इसमें सब चीज़ आपको मिल जाएगा, सुविधा वगैरह जैसे चार्जर वगैरह का सब कुछ, एसी वगैरह सारी पूरी सुविधा मिलती है। कार्ड पेमेंट है ना, कार्ड से पेमेंट करना है, कार्ड करना है, कैश, इवन आपका नोल कार्ड चलेगा जो मेट्रो कार्ड है वो भी आप एक्सेप्ट इधर होता है एक्स्ट टैक्सी में, ठीक है। पर यहाँ का शारजाह वाला बस में तो ओनली फॉर कैश चलता है, वो अदर स्टेट का, तो इसका भी नोल कार्ड नहीं बना है। भाई अगर आप लोग कार्ड में सफर यहाँ पे करना चाहते हो शारजाह में, तो आप नहीं कर सकते हो क्योंकि शारजाह में आपको कैश ही लगेगा, तो आप कैश कैरी करके रखो। यहाँ पर दुबई में आप कार्ड ही यूज कर सकते हो, बट यहाँ कैश लगेगा। दूसरी बात, यहाँ पर सीन कार्ड में चलेगा, टैक्सी में कार्ड चलेगा नहीं, कार्ड टैक्सी में चलेगा, बस का कहता है। और एक चीज और आपको बता दूं कि यहाँ पर है ना टैक्सी भी आपको शेयरिंग वाली मिलती है। तो ये देखिए ये जो चल रहा है ना, ये उसमें चल रहा है, जैसे ओला उबेर होता है ना अपने इंडिया में, वैसा है यहाँ पर आपका। पर किलोमीटर कितना कटता है दादा इसमें पैसा? एडी मतलब दिरहम पर किलोमीटर? डेढ़ दिरहम पर किलोमीटर, डेढ़ दिरहम आपका कटता है यहाँ पर। और स्टार्ट कितने में होता है? 5 दिरहम में ना, 3.5 दिरहम में स्टार्ट होता है, 3.5 दिरहम में स्टार्ट होता है भाई यहाँ टैक्सी का। चलो चलते हैं, आप दिखाते हैं। तो भाई पूरा वीडियो कंटू देखना ताकि आपको समझ में आए, मैं इसी तरीके से पूरा वीडियो नॉलेज के पहुँचाऊंगा आपको। ये देखिए भाई, ये शारजाह का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है, ये देखिए सबसे बड़ा कब्रिस्तान है ये दादा। ये देखिए, ये क्या रोजा अफ्तारी के लिए जा रहे हैं लोग? पूरा अमीरात का, हाँ बोलिए दादा, पूरा अमीरात का हर जगह पे, हर मस्जिद के अंदर बहुत अरबी लोग ये इफ्तारी दे रहे हैं, बहुत बंदा इफ्तारी ले रहा है, हर मस्जिद के अंदर ऐसे इफ्तारी। माशाल्लाह देखिए यहाँ पे जो लेबर आते हैं, बहुत बड़ा ग्रेवियर्ड है। अब तो देखिए भाई, आप लोगों को यहाँ का कब्रिस्तान दिखाता हूँ कैसा होता है। ये देखिए, ये है सऊदी का, सॉरी ये दुबई का सबसे, यहाँ शारजाह एरिया का देखिए सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। देखिए यहाँ का देखिए कब्रिस्तान कुछ ऐसा होता है, यहाँ पर ज़्यादातर कब्रों पे आपके नाम लिखे होते हैं। देखिए ये देखिए यहाँ का कब्रिस्तान, ये देखिए शारजाह का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है भाई ये। ये देखिए बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, कार भी अंदर जा रहा है, ये हमारा टैक्सी है, अभी हम लोग जा रहे हैं। शारजाह का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है भाई, आपको दिखाया मैंने। ये देखो रमजान की अफ्तारी के लिए लोग बांट रहे हैं रास्ते भर में। उसके बाद कार्ड पेमेंट का, तो ये देखिए आप फैसिलिटी यहाँ पे सारी मिलती है, यहाँ पे पानी भी मिलता है, आपको पानी भी मिल जाता है टैक्सी में, और क्या क्या मिलता है भाई? चार्जर वगैरह मिल जाता है। और इसमें अगर आपको पे करना है तो एक तो ये नोबल कार्ड है, ठीक है, फिर दूसरा ये कौन सा कार्ड है भाई? ये अपना बैंक अकाउंट कार्ड भी है, भी कर सकते हैं और कैश भी कर सकते हैं। और ये देखिए कैश भी है, कैश लेके चलो। ये यहाँ का 100 का नोट है, देखिए देखिए कितना शानदार है भाई। ये देखिए इंडिया का 2300 रुपया है, 2300 2300 रुपये इंडिया का है, ये 100 दिरहम है। ये इनका राष्ट्रीय पशु ये क्या बोलते हैं इसको? राष्ट्रीय पशु ईगल, ईगल है ये, जैसे हमारा अशोका पिलर साइन है, यहाँ का ईगल साइन है, ईगल साइन है। शारजाह हो चाहे दुबई हो, आपको यहाँ पे हर जगह ना बड़ी बड़ी खूबसूरत खूबसूरत मस्जिद आपको देखने को मिलेगी। देखिए ये देखिए यहाँ की कितनी शानदार आलीशान मस्जिद है भाई। ये वाला एरिया जो बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा, ऐसा लगता है सऊदी जैसा ना, ये ओल्ड एरिया भाई। अरे वाह, वो देखो सामने कितनी शानदार मस्जिद है माशाल्लाह। क्या बोलते हैं इस मस्जिद का नाम? इधर हर जगह मस्जिद है भाई। यहाँ
देखो भाई कितनी खूबसूरत मस्जिद है माशाल्लाह। हाँ ये पूरा एरिया सऊदी जैसा लग रहा थोड़ा बहुत देखने में, और वो दुबई वाला दिखाया था, वो दुबई वाला बिल्कुल यूरोप जैसा लगता है। ये देखो भाई ये बिल्कुल कितनी बड़ी मस्जिद है भाई, ये लगता है। इसका नाम क्या था? ये मैं भी मोबाइल है, ये मस्जिद नहीं है, कुछ यूनिवर्सिटी एरिया, यूनिवर्सिटी कॉलेज। अच्छा तो यहाँ के कॉलेज भी मस्जिद की तरह दिखते हैं उसमें प्रेयर रूम लाइब्रेरी बनाएंगे। हाँ ये रहा ये यूनिवर्सिटी होगा ये वाला। ये वाला मस्जिद वो यूनिवर्सिटी शायद। अच्छा कुरान अकेडमी है गई है। ओली कुरान अकेडमी ये तालीम दी जाती है, मतलब जैसे अपना उधर होता ना है मदरसा। नहीं नहीं अलग अलग, जैसे फिजिकल फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग, उस टाइप का बारहवीं ग्यारहवीं ऐसे अलग अलग। तो यहाँ पे क्या कुरान शरीफ पढ़ाए जाते हैं? बाकी यूनिवर्सिटी पीछे वाला यूनिवर्सिटी है। अच्छा ये मस्जिद है और बाकी सब पूरा यूनिवर्सिटी है ना? उस तरफ पूरा और भी बहुत है यूनिवर्सिटी। इस्लामिक यूनिवर्सिटी है इसका इलाइन यूनिवर्सिटी अल कासिम है, दिस अल कासिम यूनिवर्सिटी, अल कासिम यूनिवर्सिटी है भाई। माशाल्लाह वाह वाह कितनी खूबसूरत है और बहुत बड़ी बनाई हुई है। तो भाई यूनिवर्सिटी खलीफा यूनिवर्सिटी। अच्छा बहुत यूनिवर्सिटी यहाँ पर, शारजा यूनिवर्सिटी। अच्छा बहुत यहाँ पर मतलब है, जैसे हमारे इंडिया में मदरसे होते हैं ना इस्लामिक। अच्छा वैसे यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी है भाई। वाह यार भाई दुबई में यार जम गया भाई, मेरे को मज़ा आ गया भाई, बहुत अच्छा लगा। खास करके दुबई का ये शारजा एरिया, ये पूरा इस्लामिक एरिया है, पुराना एरिया जो देख लो आप। कुछ ऐसे हैं यहाँ पे अरबी लोग जो रहते हैं उनका घर है ना, ये अरबी लोगों का घर है, ये अरबी एरिया नहीं है, थोड़ा भी मार्केट एरिया है। अच्छा ये मार्केट एरिया है, तो अरबी लोग तो यहाँ पे स्टैंडर्ड तरीके से रहते हैं। और सबसे खूबसूरत चीज पता है मुझे क्या लग रही है यहाँ पे? सबसे खूबसूरत लग रही है कि हरियाली देख लो यार, मतलब दुबई में हमने सोचा था रेगिस्तान होगा, रेगिस्तान 15 साल पहले। हाँ 15 साल पहले यहाँ पे रेगिस्तान था भाई। मैंने दुबई देखा था तो मेरे को लगा दुबई में ना भाई पूरा रेगिस्तान होगा, पता नहीं क्या होगा, और यहाँ पर आने के बाद बिल्कुल ये हरियाली जब देख रहा हूँ तो ये ऐसा लग रहा है यूरोप में या इंडिया में घूम रहा हूँ मैं। देख लो भाई इन्होंने कितना तरक्की कर ली भाई, गजब माशाल्लाह। हाँ अच्छा एरिया बहुत सुंदर, हर बिल्डिंग का आर्किटेक्चर बहुत अच्छा है। हाँ तो इधर पे ये आम टूरिस्ट जा सकता है, घूमने नहीं जा सकता है? टूरिस्ट लोगों के लिए अलाउ है? हाँ पूरा अलाउ, पूरा पूरा फ्री एरिया है। अच्छा टूरिस्ट लोग भी जा सकता है इधर? पूरा एरिया फ्री है, ओपन है, कोई भी माना नहीं है। अच्छा भाई तो आप अगर टूरिस्ट जाना चाहते हो तो आप भी जा सकते हो। और आपको बता दूं यहाँ पे आने के बाद सबसे ज़्यादा जो खूबसूरत चीज़ें मुझे लगी वो यहाँ की मस्जिदें लगी माशाल्लाह, सब आलीशान और खूबसूरत मस्जिद बनी और माशाल्लाह और भी मस्जिदें बन रही हैं यहाँ पर। ये देखो शारजा की गाड़ी है, शारजा लिखा हुआ है इसमें, जितनी भी आपको गाड़ी मिलेगी ना उनमें लिखा रहता है शारजा हो, ये देखो नाम लिखा रहता है, नाम लिखा रहता है, ये देखो ये गाड़ी नंबर है यहाँ का, इसमें नाम देखो लिखा हुआ है, जो स्टेट की जो गाड़ी है उसका नाम लिखा हुआ है ना। दुबई का गाड़ी है तो दुबई लिखा होगा, शारजा की गाड़ी तो शारजा लिखा होगा, कुछ ऐसे आपको देखने को मिला था भाई। अभी मेरा गाड़ी का स्पीड है तो कितना स्पीड में यहाँ गाड़ी चलना चाहिए दादा, चलता है यहाँ पर दुबई में? 120 रीडिंग है बट 140 तक अलाउ। अच्छा भाई वाह भाई, देखो भाई अभी कितने की स्पीड में चला रहे, 140 की स्पीड में गाड़ी चला रहे, देख लो भाई 140 की स्पीड में हमारी गाड़ी चल रही है। हाँ तेज चला रहे हैं और यहाँ पर ये देखिए आप फटाफट यहाँ पे पैसा जमा होता जा रहा है, 22 किलोमीटर हम लोग चल करके आ चुका है भाई, ये देख लो। तो कुछ ऐसा है भाई दुबई बहुत तेज है भाई, बहुत फास्ट है ये लाइन है सारी, सारे रास्ते का माजे ये बहुत भी अच्छा। हाँ वही तो देख रहा हूँ मैं, काफी खूबसूरत देखिए दरख्त लगाया हुआ है चारों तरफ। ये जो रास्ता है ये 140 और 120 की स्पीड में जाता है, ये बाजू वाला 100 और वो 80 का ना, 80 साल है, ये देखो 120 का लिखा हुआ है, 120 का रोड है, मिनिमम आप 80 मैक्सिमम 120। सही है भाई बहुत बढ़िया। देखो भाई ये देखिए ये सबसे बड़ी मॉस्क है यहाँ की शारजा की, और देखिए अब हम लोग यही मस्जिद पे जा रहे हैं, आप लोगों को रोजा इफ्तार यही खोलेंगे हम लोग,
और यहीं पर आपको दिखाएंगे कितनी बड़ी मस्जिद है और किन्होंने तामीर कराया था। इसके पीछे का तामीर कराने का मतलब वो होता है ना, जैसे हर कोई किसी का एक मोटिव होता है, वहाँ पे सऊदी गवर्नमेंट ने कराया, यहाँ पर देखते हैं किन्होंने ये तामीर कराई है। चलिए अभी जानकारी करते हैं। वाह यार कितना खूबसूरत है भाई, माशाल्लाह भाई बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बड़ी मस्जिद है भाई। देखिए बहुत ही खूबसूरत बहुत ही बड़ी मस्जिद है। आज हम लोग रोज़ अफ्तारी यहीं करेगा और वाह देखो भाई कितना क्राउड हो रहा है वहाँ पर। ये देखो लिखा हुआ है शारजा मॉस्क, हम लोग पहुँच गए। वाह भाई ये देखिए शारजा मॉस्क हम लोग पहुँच गए हैं, माशाल्लाह कितनी खूबसूरत प्यारी लग रही भाई। और ये देख सकते हो ये पूरा पार्किंग एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा, यहाँ का पार्किंग एरिया भी बनाया भाई। 5353 हमारे को दिरहम लगे हैं, 28 किलोमीटर दूर चल के हम लोग आए हैं। ये देखिए मस्जिद में पहुँच गए, अब चलते अंदर दिखाते हैं। तो गाइस फाइनली मैं दुबई से सीधा तुर्की में पहुँच गया हूँ, आप देख सकते हो। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि यार मैं दुबई से सीधा तुर्की कैसे आ गया, तो मैं आपको बता दूँ कि मैं पहुँच चुका हूँ दुबई से करीबन कितने किलोमीटर दूरी पर है ये मस्जिद। दुबई से 30 शारजा से 30 किलोमीटर दूरी पे आ चुका हूँ मैं। दुबई शारजा से 30 किलोमीटर दूरी पर ये तर्किस मॉस्क यानी शारजा मस्जिद यहाँ पर मौजूद है माशाल्लाह। तो मैं यहाँ पर आया हूँ और आज यहाँ पर आया हूँ मैं माशाल्लाह। और ये यहाँ की दुबई की शारजा की बड़ी मस्जिदों में से एक मस्जिद है। एक तो अबू धाबी मस्जिद जो है आपको सबसे बड़ी मस्जिद दिखाया है, दुनिया की तीसरी बड़ी मस्जिद। और आज मैं आप लोगों को ये मस्जिद दिखा रहा हूँ और आज रोज़ा अफ्तार हम लोग यहीं करेंगे, यहीं रोज़ा खोलेंगे। तो चलो चलते हैं अंदर आपको दिखाते हैं। तो माशाल्लाह कैसा क्या माहौल है पूरा बताएंगे और ये मस्जिद किन्होंने तामीर कराई थी और कितने लोग रोज़ा यहाँ पे खोलते हैं सब आपको बताएंगे। और एक चीज़ आपको बता दूँ, ये मेरा अरबी लिबास आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। हम लोग गेट नंबर 5 पर जा रहे हैं, देखिए कितनी खूबसूरत मस्जिद है माशाल्लाह। अफ्तारी का टाइम हो गया, यहाँ पर अफ्तारी एक साथ लोग बहुत सारा लोग बैठ करके एक साथ खाते हैं भाई, और ये बहुत अच्छा लगता है। हम लोग भाग भाग करके दौड़ दौड़ करके आए वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि भाई ये मस्जिद जो है ना बहुत ही खूबसूरत प्यारी आलीशान मस्जिद है भाई। आज मैं तुर्की कभी गया नहीं हूँ पर ये मस्जिद देख करके मुझे तुर्की याद आ रहा भाई है, मेरे को ये मस्जिद देख के तुर्की याद आ रहा। आप दो कंट्री घूम लिया भाई है ना, एक ही वीजा में दो कंट्री घूम लिया भाई। सोच लो तुर्की कभी गया नहीं पर तुर्की वाली फील यहाँ पर मैं ले रहा हूँ भाई, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यार। ब्लू मॉस्क लग रही है बिल्कुल से। यहाँ पर मौजूद कहाँ पर है भाई? ये सीधा एमिरेट्स रोड के 611 एग्जिट पे राइट साइड पे राउंड बोर्ड से उतरते हैं, मेन कॉर्नर पे मेन आप वो हाईवे देख सकते हैं, वो एमिरेट्स रोड है जो शारजा टू दुबई को डायरेक्ट लिंक करती है। अच्छा बड़ा हाईवे वहीं पे बीच में ही है माशाल्लाह। और अभी एक कुछ बस एक और सरप्राइज है आपका, 10 कदम के बाद एक आपको घड़ी दिखेगी जिसका आप मशीन ढूंढ के बताओ क्या है ये, क्या वॉल क्लॉक दिखेगा उसको फ्लोर पे फिक्स किया गया है उसका मिशनरी आप ढूंढ के बताओ। अरे भाई ये भी सस्पेंस है क्या यहाँ पर? तो आप देख सकते हैं एक्यूरेट टाइम बताता है। ओ भाई गजब, ये तो घड़ी लग रहा भाई। घड़ी तो वही तो कह रहा हूँ ना, घड़ी है ये, घड़ी है ये, लकड़ी का बना हुआ है। अब टाइम मैच करो, ये दोनों टाइम बराबर है, 5:36 ये भी 5:36। ऐसे क्यों? ये मशीनरी है बहुत पुराना, इसका सारा सिस्टम अंडरग्राउंड है। अच्छा, जो जब से लगा है तब से आज तक एक्यूरेट टाइम देता आ रहा है। वाह भाई ऊपर से आपको नॉर्मल लगेगा पर अंदर से तो भाई गजब है। तो ये देखिए गेट नंबर 3 है और वो गेट नंबर वहाँ पर एक से हमें एंट्री की है। हाँ तो आप देख सकते हो ये कितना खूबसूरत है भाई माशाल्लाह। सारी पब्लिक जा चुकी है पहले से पहले क्योंकि रोजा का टाइम हो गया है। ये देखिए यहाँ पर ये पूरा रेगिस्तान को इन्होंने पूरा हरियाली कर दी है ना, पूरा एक जमाने में ये रेगिस्तान था पर आज के टाइम में पूरा हरियाली कर दिया गया है माशाल्लाह। ये देखो आज के टाइम में पूरा आपको हरा भरा दिखेगा, ये देखिए आज के टाइम में पूरा तुर्की मस्जिद बहुत हरा भरा खूबसूरत। देखो यहाँ पर दिखा देता हूँ पहले, ये क्या बना हुआ है? फाउंटेन हाउस। वाह देखो भाई ये बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है माशाल्लाह, क्या बोलते हैं फाउंटेन हाउस है ना। वाह यार बड़ा खूबसूरत बना हुआ है भाई। हाँ और ये देखो यार यहाँ पे झरना बनाया हुआ है इन्होंने। वाह 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 वाह, मैंने कभी तुर्की देखा नहीं है, आज दुबई में मैं तुर्की देख रहा हूँ भाई।
देखो भाई इन्होंने ये कितना खूबसूरत यहाँ पर ये बनाया हुआ है, इसको क्या बोलते हैं भाई? बैठने तफरी के लिए है, जैसे टूरिस्ट प्लेस हो गया, हाँ फोटो तफरी के लिए, हाँ मतलब फोटो खींचने वगैरह के लिए यहाँ पर बैठने के लिए यहाँ पर ये बनाया हुआ है। और ये देखिए पूरा फाउंटेन एरिया भाई, बड़ा खूबसूरत लग रहा है। ये देखो भाई सामने देखो कितना खूबसूरत वो छतरी बनाई हुई है वहाँ पर इन्होंने, ये देखिए। और ये देखिए यहाँ पर कितना खूबसूरत, थोड़ा थोड़ा चाइना जैसा लग रहा है पर ये चाइना नहीं है, ये तुर्की नहीं है, ये सिर्फ दुबई है। ये दुबई के शारजहाँ मस्जिद है। अब चलते हैं, रोज़ा अफ्तारी का टाइम हो गया, लोग बैठने वाले हैं। यहाँ से गाड़ियाँ आती हैं शायद, है ना, ये गाड़ी वाला एंट्री है फर्स्ट वाला। हाँ देखो भाई कितना खूबसूरत है यार, यहाँ पे फूल की बस फूल निकल फूल जा रहे हैं, ये देखो भाई वाह भाई सुबह। देखो भाई अब जा रहे हैं हम लोग मस्जिद की तरफ, आपको दिखाते हैं यहाँ वजू खाना, एक वो वजू खाना, ये क्या पीना, पानी पीने के लिए ये वजू खाना, ये क्या है ये? माशाल्लाह देखिए कितनी खूबसूरत है यहाँ पर शारजहाँ मॉस्क लिखा हुआ अरबी में, ये देखिए यहाँ डस्टबिन वगैरह बना रखी डालने के लिए कचरा वगैरह। आप यहाँ रोड में कचरा नहीं फेंक सकते ना भाई, रोड पे कचरा नहीं फेंक सकते, कहीं पर भी स्मोकिंग चलते पड़ते हैं, स्मोकिंग हर जगह फैसिलिटी दी हुई है। अच्छा स्मोकिंग के लिए, कचरा फेंकने के लिए। सही बात है, मतलब रोड में कुछ भी सही है भाई, हाइजीनिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया है यहाँ पे। तारी का टाइम होने वाला है, उससे पहले यहाँ पे क्लीनिंग की जा रही है, ये देख सकते हो आप कितना शानदार मार्बल लगाया हुआ है यहाँ पर यार, ये देखिए। ओह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, देखिए माशाल्लाह, आज मेरे को लग रहा है मैं तुर्की में आ गया हूँ भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह भाई। ये जैसे तुर्की में बना हुआ है ना वो वजू खाना है, फाउंटेन का है, ये अभी अंडर मेंटेनेंस है। ये देखो जैसे तुर्की में वजू खाना है वैसे ही वजू खाना यहाँ पर भी है। और ये देखिए तुर्की शैली की मस्जिद, आलीशान खूबसूरत माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी खूबसूरत मस्जिद है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वजू खाना है ये, एक वहाँ पर भी वजू खाना बनाया। अरे दादा हमारा यहीं पर है, ठीक है से दादा ठीक है से, ये देखो ये भी वजू खाना है, ये देखो ये भी कितना खूबसूरत यहाँ पर आर्किटेक्ट बनाया हुआ है, वाह। ये देख सकते हो लोग अपने अपने लाइनों में लग चुके हैं और सब लोगों को एक साथ जा करके बैठाया जाएगा, अब काफ़ी माहौल अच्छा होगा, लगाना पड़ेगा यहाँ पर क्योंकि रोज़ा अफ्तारी का टाइम हो चुका है, तो सारे लोग अब लाइन लगा लिए हैं, अब रोज़ा अफ्तारी का टाइम हो गया तो सब लोग एक साथ बैठ करके यहाँ पर रोज़ा खुलेंगे माशाल्लाह। ये देखिए यहाँ पर तुर्की मस्जिद में माशाल्लाह शारजहाँ मस्जिद में, मजा लाइट चालू हो गई है, लाइट स्टार्ट हो गई है। देखो यहाँ पे सारे बॉक्स बिछा दिए गए हैं, सारे लोग यहीं बैठ करके रोज़ा खोलेंगे, अभी धीरे धीरे करके पूरे तरफ पूरा ये बिछा देंगे, यहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में जारी नहाते हैं यहाँ पर। ये देखिए भाई यहाँ पे सारे ये दिए गए बिछा दिए गए, अब सारे लोग बैठा रहे हैं धीरे धीरे करके, हम लोग भी वहाँ कहीं बैठ जाएंगे देखते हैं, या फिर वहीं बैठेंगे कोने में जाके हम लोग। ये देखो दो लाइन चल रही है लेडीज़ लोगों के लिए, शायद दुबई का बंदा खुद ही खड़ा हुआ है, ये देखिए दुबई का बंदा खुद ही खड़ा हुआ है, वो पूरा सर पकड़ रहा है यहाँ पर माशाल्लाह। तो आप देख सकते हो सारे बंदे एक साथ बैठ गए यहाँ पर, आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है, कितनी लंबी लाइन है। तो देख लो भाई हमें ये मिल गया है, इसमें लिखा हुआ है रमजान करीम, अभी बाद में खोल के दिखाएंगे। ये बैठ गए मस्जिद के पास में माशाल्लाह, हम लोग सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपको बता दूं माशाल्लाह कि इस मस्जिद में 5000 से ज़्यादा लोग हर रोज़ यहाँ पर रोज़ा खोलते हैं, नमाज पढ़ते हैं, यहाँ मस्जिद की यही खूबसूरती है। सुबह ये पूरा ये जो पूरा इंतजाम होता है ये किन की जानिब से होता है? इधर के जितने भी स्टेट हैं, हर स्टेट के एक एक शेख हैं, सारे शेख अपना अरेंजमेंट करके देते हैं हर मस्जिद में, इनके एरिया में जितनी मस्जिद है सब जगह हुकूमत है, दुबई हुकूमत है, शारजहाँ की तरफ से अरेंजमेंट होता है। तो यहाँ के शारजहाँ में है तो यहाँ का अरेंजमेंट यहाँ के शेख शारजहाँ की हुकूमत की तरफ से है। अच्छा देखिए यहाँ के हुकूमत की तरफ से ये पूरा इंतजाम करा गया अफ्तारी का माशाल्लाह, देखिए चारों तरफ पब्लिक ही पब्लिक है।
और यहाँ पर देख सकते हो फ्लाइट कितनी पास से मस्जिद के पास से उड़ के जा रहा है माशाल्लाह, आप देख सकते हो। तो आप देख सकते हो रोज़ा खुलने का टाइम होने वाला है, हम दोनों साथ में बैठे हुए, हमारा भाई साथ में आया है माशाल्लाह, आज हम दोनों साथ में ये रोज़ा खोलेंगे ना, मतलब दुबई के अंदर शारजा की सबसे बड़ी मस्जिद पर हम लोग रोज़ा खोलने वाले हैं माशाल्लाह। देखिए जैसे कि आपको पता है मैं इसी तरीके से वीडियो लाता था, लाता रहूँगा इंशाल्लाह, आप लोगों को दुबई के अंदर शारजा के अंदर या समथिंग अबू धाबी के अंदर क्या देखना है, कहाँ का वीडियो देखना है और कैसी वीडियो चाहिए तो मेरे को प्लीज़ कमेंट करना, क्योंकि ये मेरा इस्लामिक चैनल है इसीलिए मैंने मस्जिद, रोज़ा, नमाज और इन्हीं चीज़ों में ज़्यादा ध्यान दिया, और दरगाह शरीफ अजमेर में दिखाता ही था मैं आप लोगों को, और बाकी बुजुर्गाने दिन की बारगाह दिखाता था। तो आप लोगों को क्या देखना है मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। रोज़ा खोलने से पहले आपको बता दूँ इसमें ये क्या है, दही है ये, देखो इसमें ये शेप दिया है, पानी दिया है आपको, देखो इसमें पानी दिया है, शेप दिया है, ये क्या है, लेबनप, अच्छा लेबनप, ये खजूर दिया गया है देखो रोज़ा खोलने के लिए, ये बिरयानी पुलाव दिया गया है, और ये दही है शायद, ये नारिश है, देखो ये हलीम टाइप का दिया गया है, नारिश है, ये पानी दिया गया है, चम्मच दिया गया है भाई। इस तरीके से यहाँ पे रोज़ा अफ्तारी होती है। आपको इन्फॉर्मेशन के लिए एक बात बता दूँ आपको कि यहाँ पर जो लेडीज़ सेक्शन है ना, लेडीज़ लोगों के लिए अलग बनाया गया है, अफ्तारी का इंतजाम लेडीज़ लोगों के लिए अलग करा गया है, और जेंट्स लोगों के लिए अलग है ना, जेंट्स लोगों के लिए अलग इंतजाम है, और लेडीज़ को या आप जेंट्स को सबका अलग अलग अफ्तार का यहाँ पर इंतजाम है, अरबी नमाज भी सब अलग है ना, हाँ, और लेडीज़ का मस्जिद भी है, अच्छा लेडीज़ लोगों के लिए अलग है, जेंट्स लोगों के लिए अलग करा गया है यहाँ पर। और माशाल्लाह आपको बता दूँ कि इस मस्जिद में ना खासी तादाद 5000 से ज़्यादा लोग और अभी मेरे हिसाब से यहाँ पर रोजे जो खोलने वाले हैं करीबन मेरे हिसाब से बैठे होंगे 3-4 हज़ार के लोग अभी बैठे ही हैं माशाल्लाह, देख ले 3-4 हज़ार लोग एक साथ रोज़ा खोलते हैं, 5000 से ज़्यादा लोग नमाज और रोज़ा खोलते हैं यहाँ पर आकर के। तो फाइनली हम लोगों ने रोज़ा खोल लिया और माशाल्लाह देखिए आपको यहाँ पे अजान आपको सुनने को मिली, कितनी खूबसूरत अजान थी। और आपको बता दूं कि मैं दुबई एक दिन के अंदर अंदर कैसे आ गया, तो अगर आप लोगों को भी एक दिन के अंदर अंदर दुबई का वीज़ा लगवाना और जल्दी से जल्दी दुबई में आना है, और ख़ास करके ये 7 स्टेट जो कि शारजा में ये मस्जिद मौजूद है यहाँ पर नमाज पढ़नी, रोज़ा खोलना है, या फिर आपको अबू धाबी जाना है, कहीं पर भी जाना है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि भाई जो हमारी SKZ जो टूर एंड ट्रेवल्स है उससे आप टूर बुक कराएं और जल्दी से जल्दी यहाँ पर वीज़ा बुक करा के आप आ सकते हो।
मैं डिस्क्रिप्शन पे नंबर आपको डाल दूंगा और स्क्रीन पे तो नंबर चल ही रहा है, ये दुबई का नंबर है, आप इसमें कॉल कर सकते हो, सॉरी व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो, ताकि आप लोगों को भी जल्दी से जल्दी यहाँ पर आने का, दुबई में कुछ इस तरीके का माहौल देखने का मौका मिले, क्योंकि दुबई के आप लोगों ने कई ऐसी चीज़ें देखी होंगी जो कि आपको नागवारा गुजरी होगी, पर मैं आपको ऐसी चीज़ें दिखा रहा हूँ धार्मिक और इस्लामिक, जो कि हमारे दीन के लिए और इस्लाम के लिए बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा है। और इंशाल्लाह मैं यहाँ से फिर उमरे में भी जाऊँगा, यानी सऊदी अरब जाऊँगा, फिर वहाँ का भी ब्लॉग लाऊँगा, तो प्लीज़ कंटिन्यू देखना ताकि आपको पूरा वीडियो समझ में आए। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इसमें इस वीडियो में कम से कम 3 से 4 हज़ार लाइक तो मुझे चाहिए। मैं देखता हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर मुझे कितना मोहब्बत करते हैं, कितना प्यार करते हैं, तो लाइक करने में तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, तो आप लाइक ज़रूर करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि और भी लोगों को ये मंज़र खास करके यूएई स्टेट का पूरा आपको देखने को मिले, उनको भी देखा। आज का टाइम हो गया, चल लेते हैं अंदर, दिखाते हैं मस्जिद में कैसा खूबसूरत अंदर से माहौल है, तो देखिए उनकी मस्जिद थोड़ी बहुत लगानी चाहिए, पर कोई बात नहीं, चलिए अब अंदर चलते हैं, अंदर से दिखाते हैं आपको कितनी खूबसूरत मस्जिद है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, देखिए कितनी खूबसूरत प्यारी मस्जिद है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत प्यारी मस्जिद है। ये देखो बिल्कुल तुर्की की याद दिलाता भाई, ये दोनों के मेहराब देखो डिज़ाइन देखो माशाल्लाह, वाह। तो देख लो भाई अंदर आते ही माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा भाई यहाँ की, मतलब आप डिज़ाइन देखो, आर्किटेक्ट देखो भाई कितना शानदार इन्होंने बनाया हुआ है माशाल्लाह, बिल्कुल यहाँ पर आपको एहसास होगा आने के बाद में कि भाई आप तुर्की में आ चुके हो। तुर्की की हाया सोफिया मस्जिद को आप देख रहे हो या ब्लू मॉस्को को देख रहे हो, और इंशाल्लाह दुआ करो कि मैं सच में मैं तुर्की भी जा सकूं, उस्मानी संतलत के बारे में भी कुछ ना कुछ जानकारी आप लोगों को दे सकूं, और यहाँ के बारे में अगर आप लोगों को कुछ ना कुछ नॉलेज है तो प्लीज़ मैं चाहूँगा कि भाई आप शेयर करो यहाँ पे जो रहते हैं, या आप मुझसे मुलाकात करो और मेरे को यहाँ के बारे में बताओ कमेंट करके, और या इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज करो मिस्टर खान अजमेर पे, ताकि मैं यहाँ के बारे में दीन इस्लाम के बारे में दीनी नॉलेज के बारे में लोगों को बता सकूँ, क्योंकि ये 7 स्टेट है यूएई में, तो कोई ना कोई स्टेट में इस्लामिक कल्चर इस्लामिक चीज़ें होंगी जो मैं आप लोगों को बता सकूँ। और ये देखिए सारे लोग नमाज की तरफ जा रहे हैं अब माशाल्लाह, तो आप देख सकते हो माशाल्लाह हम लोगों ने नमाज़ पढ़ी, और यहाँ पे देखिए एक साथ लोग किस तरीके से नमाज़ पढ़ते हैं, और कितना खूबसूरत आलीशान मंज़र होता है ये अपनी आँखों से जो देख रहा हूँ मैं, माशाल्लाह मेरी आँखें बाग बाग हो गई सुभान अल्लाह। और अब हम लोग बाहर जा रहे हैं, और ये देखिए पूरी मस्जिद नमाजियों से खचाखच भरी हुई है, और ख़ास करके जो नमाजी जो यहाँ पर मौजूद है ना माशाल्लाह 80 से 60% मलबारी लोग हैं, मलबारी यानी केरला के मालमपुरम के लोग ज़्यादातर हैं यहाँ पर माशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह यहाँ पर नमाज हो रही है सुभान अल्लाह, कितना खूबसूरत मंजर है, और यहाँ पे देखिए मतलब ये मस्जिद ही बहुत ही खूबसूरत बनी हुई है माशाल्लाह। यहाँ पर रोज़ा खोल के नमाज़ पढ़ के माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा सुकून मिला माशाल्लाह, देखिए बहुत अच्छा मंजर है यार यहाँ पर। अब हम लोग बाहर जा रहे हैं, तो देख सकते हो माशाल्लाह अभी हम लोगों ने यहाँ पर नमाज़ पढ़ी, काफ़ी खूबसूरत प्यारी मस्जिद बनी हुई बिल्कुल तुर्की शैली की माशाल्लाह। अभी हम लोगों ने नमाज़ पढ़ी, हम नमाज़ पढ़ के जस्ट बाहर आए हैं, लिफ्ट की भी सुविधा है यहाँ पर, देखिए सामने नीचे जाने के लिए सीधा लिफ्ट भी है,
सुभान अल्लाह माशाल्लाह। आज हम लोगों ने इस मस्जिद में आलीशान खूबसूरत प्यारी मस्जिद में नमाज पढ़ी है माशाल्लाह, और यहीं पे रोज़ा खोला है माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा। मैं तो ये कहूँगा कि अगर दुबई में अगर आप लोग आ रहे हो इस मस्जिद में ज़रूर विज़िट करें, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत और प्यारी बड़ी तुर्की शैली की मस्जिद है माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आके। सुभान अल्लाह कितना खूबसूरत है भाई, कितनी खूबसूरत यहाँ पर भी बनी हुई है, देखो बिल्कुल भाई तुर्की की याद आ रही है मेरे को, ऐसा लग रहा है मैं तुर्की में आ गया हूँ। तो माशाल्लाह इस मस्जिद में हम लोगों ने आए नमाज पढ़ी रोज़ा खोला, हमारे केरला सलाम अलैकुम, यह हमारा भाई केरला का मिला माशाल्लाह। यहाँ पे भाई सबसे ज़्यादा केरला के लोग मुझे मिला इधर, केरला के लोग बहुत आता है ऐसा है ना माशाल्लाह। अच्छा यहाँ पे कितना सारा लोग एक साथ नमाज पढ़ लेता है इधर एक साथ? जी बहुत ज़्यादा लोग, यानी 5 से 6 हज़ार लोग तो आराम से है ना। अभी भी आज भी बहुत ज़्यादा पब्लिक था माशाल्लाह। क्या कहना चाहोगे जो इंडिया से आपको हमारा सब्सक्राइबर लोग देख रहे हैं? यह मोस्ट ऑफ द पीपल आई थिंक मे बी मोर देन 50% केरला पीपल इज कमिंग, इट्स वेरी गुड मोस्क यू नो, वन ऑफ द बेस्ट बिग मोस्क इन द माशाल्लाह। देखो माशाल्लाह हम लोग मस्जिद में आए हुए हैं और हमको कुछ इंडियन भाई मिल गए। अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, कैसे हो? किधर से हमारा भाई? केरला? ओ इधर आज मोस्ट केरला का लोग बहुत मिलता है माशाल्लाह। ये भी केरला? अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे आप लोगों ने नमाज पढ़ी कैसा लगा? अच्छा लगता है। और ऑलमोस्ट नमाज पढ़ने आप लोग यहीं पे रोजा खोलने यहीं पे आते हैं? फर्स्ट टाइम आ रहे थे। अब फर्स्ट टाइम आए, ओ माशाल्लाह कैसा लगा? बहुत अच्छा है। केरला के लोग बहुत आए इधर, 50-50 कितना परसेंट केरला था? 40%-50% केरला था है ना। दुबई में कितना समय से आप लोग हैं इधर? वन मंथ से। ओ माशाल्लाह इधर पहली बार आया? अच्छा ठीक है, ओके शुक्रिया भाई। दुबई में सबसे ज़्यादा मलमारी लोग रहता, आया था केरला माशाल्लाह। इधर सबसे ज़्यादा लोग केरला के लोग आया मैं देखा, जितना भी लोग केरला का था, मतलब केरला के लोग इंडिया में बहुत मोहब्बत करता है दुबई को ऐसा। अच्छा मैं राजस्थान से हूँ। ओके कैसा लगा इधर आके? इधर हिंदी नहीं मालूम? थोड़ा। ओके नाइस टू मीट यू, सलाम वालेकुम। और तुम्हारा नाम क्या है? तुमको थोड़ा हिंदी मालूम? ओके ठीक है सलाम भाई, हिंदी कम आता है। केरला के लोग ऑलमोस्ट हैं यहाँ पर इंडिया, और देखता कहाँ का लोग होगा तो बात करना। सारे केरला के बीच में हमारा इंडिया का एक बिहार का भाई मिल गया माशाल्लाह, जो हिंदी स्पीकिंग बंधु है। इधर तो, सब रंडे मुने नाले मुने हैं। यहाँ कितने परसेंट लोग केरला के लोग थे? यहाँ पे तकरीबन आपको 80% केरला के लोग, केरला के लोग थे ना। तो आप तो यहाँ डेली आते होंगे? जी तो डेली नमाज रोज़ा समथिंग यहीं पर खोलते हैं माशाल्लाह। भाई जान एक बात पूछना चाहूँगा, इस मस्जिद में एक साथ कितने लोग नमाज पढ़ सकते हैं? एक साथ 2000 लोग सिर्फ अंदर में पढ़ सकते हैं, और बाहर का पूरा कंपाउंड अगर सब मिला देंगे तो अराउंड 10,000 लोग पढ़ सकते हैं माशाल्लाह। तो आज कितनी पब्लिक रही होगी अंदाजन? अंदाजन आज आपको वही 5,000 के आसपास पब्लिक है। 5,000 की आसपास में पब्लिक थी? पूरे फुल रहते हैं। अच्छा वीकेंड में फुल रहते हैं। एक चीज़ हो रही है, यहाँ पे लाइट शो होता है बहुत शानदार खूबसूरत होता है, वो कब होता है यहाँ पे? वो आपको अभी नहीं होता है, जब चांद जिस दिन अनाउंसमेंट होता है ना, चांद रात की ईद की। अच्छा तो उस दिन हो जाता है यहाँ पे फायर बॉक्स होता है इधर पे, मतलब बहुत शानदार आलीशान सजा देते हैं और खूबसूरत व्यू होता है। अरे वाह माशाल्लाह। एक चीज और लास्ट पूछना चाहूंगा, आप यहाँ पे कितने समय से रहते हैं भाईजान? मैं इधर 8 ईयर से हूँ। 8 साल से? तो आपको तो काफी नॉलेज हो गया होगा। सही, एक लास्ट बात, ये इतनी आलीशान खूबसूरत मस्जिद है, तो ये मस्जिद को किन्होंने तामीर करवाया? इस मस्जिद का तामीर यहाँ के शेख ने करवाया, वो उनका एक्चुअल नाम नहीं मालूम है, लेकिन यहाँ के शेख जो है उन्होंने तामीर करवाई है। क्योंकि वहाँ पे एक शारजा में है एक सऊदी मस्जिद है, तो सऊदी के बादशाह ने गिफ्ट करी मस्जिद को। यहाँ पर भी कुछ ऐसा कि वो शेख ने बनवाया ना यहाँ के? अच्छा यहाँ के शेख ने बनवाया, ठीक है। प्रेयर के लिए मालूम है। अच्छा ठीक है, तो यहाँ 5 वक्त की नमाज होती है? जी बिल्कुल। और आज रोजा अफ्तारी, ये रोजा अफ्तारी का इंतजाम कौन कराते हैं? यहाँ के लोकल लोग करते हैं ना। कुछ लोकल लोग करते हैं करती है। अच्छा गवर्नमेंट करती है बाकी, ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम होगा अब्दुल्ला खान। ओके भाई देख लो भाई, और सब लोगों की नमाज होने के बाद में अब यहाँ पर जो केरला के
जो सिक्योरिटी गार्ड हैं या फिर जो सिक्योरिटी करते हैं वो लोग अब नमाज़ पढ़ रहे हैं यहाँ पर, देख सकते हो। तो कुछ ऐसा मंजर होता है माशाल्लाह यहाँ पर। हमारा केरला का मेला माशाल्लाह। हिंदी मालूम थोड़ा थोड़ा? थोड़ा। ओके, थोड़ा थोड़ा। नाइस टू मीट यू भाई। ये मैं देखता हूँ इधर नाम, ये पूरा इंतजाम कौन करता है इधर? MSS मतलब मॉडल सर्विस सोसाइटी। अच्छा अच्छा। और सारा मतलब सबकी नमाज होने के बाद आप लोग नमाज पढ़ते हो ऐसा? सही है सही है। और इधर पे कितने समय से आप रहते हैं? हाँ? कितना एरिया से इधर इधर रहता है? ए शाहजा मस्क सज्जा मैं लेबर सा लेबर सज्जा अंजब ले ले उससे। अच्छा अच्छा। और इधर 80% केरला मलबारी। हाँ। ओके क्या नाम तुम्हारा? ईशान। ईशान माशाल्लाह। नाइस टू मीट यू। हाँ थैंक यू। ओके सलाम वालेकुम। सलाम।